नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है के विष्णुवर्धन चौधरी। आप देख रहे हो के वी स्टडीज। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी दबा लो मेरे नोटिफिकेशंस आपको जल्दी आने के लिए। अब हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हमारा टॉपिक में हमें हीट ट्रांसफर का थ्री मेन वेज है, उस थ्री मेन वेज को अब हम देखेंगे। थ्री मेन वेज आर कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बार हम कंडक्शन को देखते हैं। देख लो, यहाँ एक बॉडी है, इसका नाम है ए, और यहाँ दूसरा बॉडी है, इसका नाम है बी। सो इसमें भी टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स है और इसमें भी टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स है, बट इनका टेम्परेचर में डिफरेंस है। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे, बल्कि ये दोनों हैं यहाँ एक बार मिल गए। सो यहाँ तो बाउंड्री लाइन रहेगी क्योंकि ये दोनों मिल गए, पर इस पार्टिकल में 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पार्टिकल में 10 डिग्री सेल्सियस है, तब सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। जब ये किसका पार्टिकल का टेम्परेचर ज्यादा है, उस वो पार्टिकल है ना, वो ज्यादा वाइब्रेट करना, उसका एटम्स जो है, उसका मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। उस जो जिसका है लो टेम्परेचर, उसका मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट करेंगे। जब इन दोनों को मिला लिया, तब जो पार्टिकल्स है यहाँ, ये देखो, ये बाउंड्री लाइन है, तो यहाँ एक पार्टिकल होगा, यहाँ एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता। अब हमको पता है कि हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज एनर्जी, हीट कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मोशन। सो सी हियर, व्हेन इट ट्रांसफॉर्म हीट टू वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, जब ये वाइब्रेट होता है ना, तब उसका एनर्जी जो हाई होता है, उसको स्टेबिलिटी पाने के लिए लो एनर्जी चाहिए होता है, जो उसका एनर्जी को वो दूसरे को ट्रांसमिट करता है। इसलिए जो ये 10 डिग्री सेल्सियस का मॉलिक्यूल और सब्सटेंस है, ये इसका एटम्स और मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करते तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है। कि हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये देखो, ये 100 डिग्री वाला है, ये 10 डिग्री वाला है, ये इसको एनर्जी दे रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है, इसमें एनर्जी कम हो जाएगा। यहाँ देखो, इसमें इतना एनर्जी है, इतने इसमें कम एनर्जी है। जब ये इसको एनर्जी देगा, इसमें एनर्जी बढ़ जाएगा और इसमें कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट कर इसके देख लेंगे। यहाँ देखो, एक रॉड ले लो, एक रॉड को गम से नेल्स चिपका दो, नेल्स पता है, आयरन नेल्स चिपका दो, एक ऑर्डर में, एक 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में इन सबको चिपका दो। यहाँ एक बर्निंग फ्लेम रख दो। हमने ग्लू और वैक्स से इसे चिपका है, पर यहाँ जब गर्मी लगेगा, तब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे को, ऐसा चलता रहेगा, तब यहाँ तक हमें गर्मी महसूस होगा। जब देखो यहाँ तक चलता है, पहला यह गिर जाएगा, बिकॉज इसका वैक्स और ग्लू मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद वो स्टैंड नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा। एक बार फिर फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, ऐसा गिरता रहता है। हमको पता चलता है कि वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मॉलिक्यूल हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है वो ओवर हीटेड होकर वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहा है, उसका एनर्जी को दूसरे में ट्रांसमिट करता है, दूसरे में तीसरे में ट्रांसमिट करता है। ऐसा हमें एक आयरन रॉड पकड़ा तो वो तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कनेक्टर है। तो जब हम यहाँ से फ्लेम लगाएंगे, हम जब यहाँ पकड़ते हैं, हमको भी गर्मी महसूस होगा। अब आपको पता चल गया कि क्या कंडक्शन है, कन्वेंशन और रेडिएशन है। हमने इन तीनों में कंडक्शन का पता चल गया। लास्ट में एक अच्छा सा एग्जाम्पल कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन को सिंप्लीफाई करेगा। अभी देखो, अभी हमें एक क्लैरिटी आ गया थी कंडक्शन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन, ये देखो, जब हम एक कैंडल जलाते हैं, जब हमारे घर में बिजली नहीं होता है, तब हम एक कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल जलाने पर हम अपना हाथ ऊपर रखते हैं कैंडल की। एक बार रखकर देखो, अपने घर में एक कैंडल जलाओ और कैंडल को टेबल पे प्लेस करके उसके ऊपर हाथ रख लो। जब आप उसके ऊपर हाथ रखोगे, आपको गर्मी महसूस होगा। क्यों गर्मी महसूस होगा? क्योंकि ये फ्लेम यहाँ है पर हमारा हाथ को नहीं है, पर हमको गर्मी महसूस क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पे भी मॉलिक्यूल्स होता है, एयर भी एक स्टेट है, सो एयर पे भी फ्री मॉलिक्यूल्स होता है, उसको कोई भी पैकड नहीं है, टाइटली पैकड, सो उसको
वॉल्यूम भी नहीं है, शेप भी नहीं है, तो वो सारे फ्री में होंगे। जब यह सभी पार्टिकल्स होते हैं, जब हमारा फायर आता है ना, जो गर्मी लगता है वो फायर आता है। आपको पता है कोल्डर एयर, लाइटर एयर इज लाइटर देन कोल्डर एयर। यू सी हियर, इफ वी हीट इट, द हीट व्हिच द हीटेड एयर, इट इज लाइटर देन द कोल्डर एयर। जो कि गर्मी वाला हवा होता है वो कोल्ड एयर से भी लाइट होता है। जब ये मॉलिक्यूल्स गर्मी का इंटरैक्ट हो जाएंगे, गर्मी से इंटरैक्ट हो जाएंगे, तब इन्हें फ्लोट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स है उनसे भी ये लाइटर है, सो वो फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। फ्लोट करने कहां जाएंगे, जब भी एक मॉलिक्यूल फ्लोट करता है वो ऊपर की तरफ जाता है। जब हम हाथ ऊपर रखेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगा, इसलिए द हॉट मॉलिक्यूल्स आर टचिंग अवर हैंड। नाउ अभी डिस्कस करते हैं रेडिएशन की तरफ। हमें कंडक्शन पता चल गया और कन्वेक्शन पता चल गया। अब रेडिएशन है, ये कहां भी वर्क कर सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस कहां भी, और वैक्यूम के भी। वैक्यूम क्या होता है, वो एम्प्टी स्पेस होता है। यहाँ ले लो कंडक्शन और कंडक्शन कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हमने ले लिया, पर रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है सन एंड अर्थ। देख लो, यहाँ सन है हमारा सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, ही इज द सन, एंड अवर थर्ड प्लैनेट इज अवर अर्थ। ना हमें सन के बीच में 150 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर लाइट एक मिनट में आ जाता है। ये कैसा आता है, हमारा लाइट और हीट ट्रांसफर, यहाँ से भी हमें हीट लगता है। जब हम सन में आ जाएंगे तो हमें बहुत गर्मी लगता है, क्योंकि सन हीट और लाइट बोथ को ट्रांसफर करता है। ये देखो, जब यहाँ से लाइट और हीट ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, बिकॉज ये जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है वो वैक्यूम में काम नहीं करते, क्योंकि एम्प्टी स्पेस में काम नहीं करते, पर वो रेडिएशन, द मीनिंग ऑफ रेडिएशन, द रेडिएशन वैक्यूम पर भी ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ 8 और 8 मिनट्स में वो 150 बिलियन किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड लाइट। अभी हम पता चल गया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। अब इन तीनों के लिए एक एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। अभी देखो, इन तीनों के लिए एक ही एग्जाम्पल है, इससे आपको पता चल जाएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है। अभी देखो, यहाँ बड़ा सा ब्रिक्स है। अब हमें इनको 3 कॉलम्स में ले लेंगे, क्योंकि इसको कंडक्शन से डिराइव करेंगे, इसको कन्वेक्शन से डिराइव करेंगे, और इसको रेडिएशन से डिराइव करेंगे। यहाँ बहुत सारे ब्रिक है, समझ लो इसमें दो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ एक आदमी खड़ा है, सो उसको इस ब्रिक्स को दूसरे पॉइंट को ट्रांसफर करना है। उसको मालिक ने बोला इस ब्रिक्स को वहां ट्रांसफर कर लो। इमेजिन करो, यहाँ 100 ब्रिक्स है, यहाँ भी 100 ब्रिक्स है और यहाँ भी 100 ब्रिक्स है। अब ये क्या करेगा, अपना जो फ्रेंड्स है उनको बुला लेगा, और एक एक लाइन में स्टैंड हो जाएंगे, एक एक लाइन में स्टैंड हो जाएंगे। यहाँ 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 पूरा जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सारे स्टैंड हो जाएंगे, और एक ब्रिक को ऐसा पास करते हैं, दूसरा को, तीसरा, वो ऐसा चलता रहता है, और ब्रिक एक अच्छा वाला बैंड हो जाता है। और सेकंड में क्या करेगा, उसको अपना फ्रेंड्स को मदद नहीं चाहिए, और ये क्या करता है, अपना ब्रिक को लेकर जोर से बाकर वहां रख देता है, अपना ब्रिक को लेकर ऐसा ये करता रहता है। तब इसका भी एक स्ट्रक्चर में हो जाएगा, बिकॉज वो कहां भी एक स्ट्रक्चर में रख लेता है, क्योंकि ये ही आ रहा है, सो देखकर उसे एक स्ट्रक्चर में रख लेता है। और यहाँ तीसरा वाला है, ये बहुत क्या लेजी है, ये उसको वहां से वहां तक दौड़ना पसंद नहीं है, अपना फ्रेंड्स को बुलाना पसंद नहीं। अब ये क्या करता है, एक ब्रिक को लेकर उसने थोना शुरू करता है। ही थ्रोस एवरी ब्रिक्स इन द ऑर्डर, इन नॉट एन ऑर्डर, दे ऑल फॉल इन डिफरेंट प्लेसेस, दे ऑल फॉल इन डिफरेंट प्लेसेस, दिस लुक लाइक a big stock of bricks, but they are not in an order, but this is the fastest means of transfer. ये बहुत जल्दी होता है, इन सब से भी ये बहुत जल्दी हो जाता है, पर order में नहीं रहता है। Every place it would be not transferred equally. क्या हम एक brick throw करते हैं उसको equal में नहीं रहता है, वो बहुत order में रहता है। ऐसा ही radiation जब sun से आता है वो every place में equal में नहीं जाता है, क्योंकि equator में वो standing positions of north pole and south pole, but equator पे ज्यादा लगता है और साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे लो लगता है। इसलिए हम इससे पता चल गया कि कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन क्या है। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद है, तो मेरा वीडियो को आपका शेयर करना। थैंक यू।